दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने अपने सफ़र की सारी डिटेल्स बता दी हैं और इस वीडियो में मैं आपको मुंबई एयरपोर्ट से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ख़त्म होने तक की डिटेल्स बताने वाला हूं। जो ई पास आपको एयरपोर्ट से मिलेगी उसकी मदद से आप किसी भी गवर्नमेंट चेक पोस्ट को आसानी से पार कर सकते हैं। जो कोई भी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हैं उनको दामले स्कूल में जाना पड़ेगा और वहां जाकर अपने 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का पेपर सबमिट करना होगा। आपको फ्री क्वारंटाइन भी मिल जाएगा सेम स्कूल में। मैं टोटल 10 दिन क्वारंटाइन में रहा। एक्चुअली मेरी रिपोर्ट 7वें दिन आ चुकी थी, लेकिन किसी की गलती की वजह से रिपोर्ट सिस्टम में अपडेट नहीं हुई थी। ये है वो रूम जिसमें मैंने अपने 10 दिन कंप्लीट किए थे। इस रूम का 1 दिन का रेंट 450 रुपीज़ था विदाउट फूड। जैसे ही आपके 4 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो 5वें दिन आपको हॉस्पिटल में जाकर स्वाब टेस्ट देना पड़ेगा। मुंबई में होटल्स में खुद स्वाब टेस्ट लेने वाले आते हैं, लेकिन रत्नागिरी में आपको खुद सिविल हॉस्पिटल में जाकर स्वाब टेस्ट देना पड़ता है। मुंबई एयरपोर्ट से क्वारंटाइन ख़त्म होने तक ये मेरा दोस्त बन के रह गया। फाइनली हमारी रिपोर्ट 10वें दिन आ गई और हम 10वें दिन डिस्चार्ज हो गए। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।